क्या आपको पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद फ्री इंडिया की पहली ओलंपिक्स की फुटबॉल मैच टीम इंडिया ने बेयरफुट खेला था। यस, पूरी दुनिया के सामने बिना कोई बूट्स के टीम इंडिया नंगे पाव खेला था। और आज हम उसी फुटबॉल टीम की कैप्टन डॉक्टर तलेमरन आओ के एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ के बारे में बताएंगे, जिसे द बेयरफुट लेजेंड के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर तलेमरन आओ का जन्म 28 जनवरी 1918 को अनडिवाइडेड आसाम की नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो करेंटली अभी नागालैंड में है। उनके पिता पूरी नागा हिल्स की पहली रेवरेंट थे और डॉक्टर आओ उनके 12 बच्चों में से चौथे बच्चे थे। जन्म के कुछ साल बाद उनकी फैमिली इम्पूर मिशन कंपाउंड में शिफ्ट हो गई, जहां फील्ड्स में बच्चे पुराने कपड़ों से बना हुआ फुटबॉल खेला करते थे। और यही डॉक्टर आओ का फुटबॉल से इंट्रोडक्शन हुआ। 1935 में रिटायरमेंट से पहले ही उनके पिता टाइफाइड से पीड़ित होकर चल बसे, और जाते जाते उनका आखिरी इच्छा ये था कि तलेमरन आओ एक डॉक्टर बने और अपने लोगों को सर्व करे। अपने स्कूल एंड कॉलेज लाइफ में उन्हें फुटबॉल का प्रॉपर एक्सपोजर मिला और सब ने तलेमरन आओ की फुटबॉल स्किल्स को नोटिस किया। 1937 में उन्होंने आसाम की सबसे बड़ी फुटबॉल क्लब महाराणा क्लब को ज्वाइन किया, जिसके अंडर उन्होंने बेस्ट फुटबॉलर का टाइटल भी जीता। 1943 में मोहन बागान फुटबॉल क्लब ज्वाइन करने के बाद उन्हें स्ट्राइकर से डिफेंडर में चेंज किया गया, जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं। अपने दो और बैक्स के साथ मिलकर डॉक्टर तलेमरन आओ की डिफेंस इतनी स्ट्रांग थी कि लोग उन्हें द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी बुलाने लगे थे। फुटबॉल में उनकी अमेजिंग स्किल्स, स्पोर्ट्समैनशिप और उनकी काम टेम्परामेंट को देखते हुए 1948 में उन्हें इंडियन टीम का कैप्टन बनाया गया, जो 1948 लंदन ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले थे। ये फ्री इंडिया की पहली फुटबॉल टीम थी जिसने किसी भी तरह की इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। तब इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी थी और गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स में कोई अटेंशन ही नहीं था। रिजल्ट्स, ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली फुटबॉल टीम के पास बूट्स तक नहीं था। बट दिस वाज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर द इंडियन टीम। पूरे 17,000 स्पेक्टेटर्स के सामने इंडियन फुटबॉल टीम प्रोटेक्शन के लिए बस कटा हुआ मोजा पहनकर नंगे पाव फुटबॉल खेला और पहला मैच में बर्मा को हराया। बट अनफॉर्चुनेटली सेकेंड मैच में इंडिया फ्रांस से 2-1 के स्कोर से हार गई। इस इवेंट ने पूरी दुनिया की मीडिया का अटेंशन खींचा, और जब डॉक्टर तलेमरन आओ से ये पूछा गया कि उन्होंने बेयरफुट क्यों खेला, तब उन्होंने ये जवाब दिया कि In India, we play football, whereas you play football. डॉक्टर आओ लोगों के बीच इतने पॉपुलर थे कि एक बार ढाका में जब उन्होंने अपने साथियों को मौका देने के लिए मैच नहीं खेलने का फैसला किया, तब उनके फैंस इतने डिसअपॉइंट हो गए कि उन्होंने डॉक्टर आओ के बिना उस मैच को शुरू होने ही नहीं दिया। बाद में ऑफिशियल्स के कहने पर डॉक्टर आओ फील्ड पर उतरे, जिसके बाद ही मैच शुरू किया गया। अपने स्पोर्ट्स करियर में इतने आगे जाने के बाद भी डॉक्टर तलेमरन अपने पिता के आखिरी ख्वाहिश को नहीं भूले थे। अपने पिता के ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मोहन बागान का दिया हुआ प्लॉट कोई नहीं बल्कि आर्सेनल के कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा कर उसी साल उन्होंने कोलकाता के कारमाइकल कॉलेज में MBBS कोर्स रीज्वाइन किया, और 1950 में वो ग्रेजुएट हुए, जिसके बाद डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में उन्होंने एज एन ENT ज्वाइन किया। 1953 में वो नागालैंड वापस आए और कोहिमा सिविल हॉस्पिटल में एज एन असिस्टेंट सिविल सर्जन ज्वाइन किया, एंड फाइनली 1978 में डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज के पोस्ट से वो रिटायर हुए। अपनी जिंदगी के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम्प्लीट करते हुए 1998 में डॉक्टर तलेमरन आओ इस दुनिया को छोड़कर चले गए। डॉक्टर आओ ने फुटबॉल की दुनिया में तब कदम रखा था जब लोग स्पोर्ट्स में जाने से डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि स्पोर्ट्स उनका पेट नहीं भर सकता। पर आज उनके नाम पे एक आउटडोर स्टेडियम, एक इंडोर स्टेडियम और 2 टूर्नामेंट्स भी खेला जाता है। डॉक्टर तलेमरन आओ की इंस्पिरेशनल एंड लेजेंडरी कहानी शायद ही आपने सुनी होगी, क्योंकि ऐसे स्टोरीज बहुत ही कम लोगों तक पहुंचती है, एंड वी लव टू टेल सच स्टोरीज। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस वन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल।